तो ये वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो इसमें बेसिकली है हमारे पास कि अगर एक लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर, ठीक है ना, एयर में जा रही है, जिसकी वेव लेंथ एयर में कितना है, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेलोसिटी वी है, इंटेंसिटी आई है। तो जब देखो जब कभी भी लाइट रे, अगर ये लाइट रे अपनी, तो दिस इज़ बेसिकली अगर इंटरफेस है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरफेस, जो दो मीडियम को अलग करती है, और ये है अपना यहाँ पे नॉर्मल। तो अगर ये यहाँ पे नॉर्मल है, तो एक लाइट रे एक एयर से या कोई एक मीडियम जो भी ले लो, ये एयर ले लो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये नॉर्मल है, तो ये म्यू वन है, ठीक है ना। लाइट रे एयर से जा रही है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है अप्रॉक्सीमेटली, वाटर में गई है तो टू आर द नॉर्मल ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये पानी में, इधर वाटर में गई है, तो अगर एयर से वाटर में गई है तो इसमें से कौन सा जो है वो चेंज होगा, ये हमें कौन सा वेरिएबल चेंज होगा वो हमें पता करना है। तो देखो कौन सा वेरिएबल चेंज होगा, इसके लिए तुम्हें ये बात जानना होगा कि क्या वेवलेंथ चेंज होगा। वेवलेंथ अगर एयर में लैम्डा था तो इसमें हमें वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लैम्डा डैश हो जाता है, ठीक है। लैम्डा डैश क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर स्पीड भी है तो यहाँ पर स्पीड भी डैश हो जाती है, और डेंसर मीडियम है तो वी डैस की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है वी से। तो जो किसी भी स्पीड की वी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो अगर स्पीड कम हुई है, स्पीड डिक्रीज हुई है, तो लैम्डा भी क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। और इंटेंसिटी देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, मतलब इस लॉजिक से अपना बी ऑप्शन सही है। लेकिन इंटेंसिटी क्यों चेंज होगी, देखो इंटेंसिटी इसलिए चेंज होगी कि लाइट जो है यहाँ पे पड़ी होगी तो कुछ पार्ट लाइट का यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा और ये रिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना, रिफ्रैक्ट हुआ है। आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुई तो कुछ इधर उधर ऑब्जर्व हुई होगी, कुछ रिफ्लेक्ट हुई होगी तो कुछ रिफ्रैक्ट भी हुई होगी, तो दैट्स वाई इंटेंसिटी जो है कम हुई होगी। दे आई डैश यहाँ पर जो इंटेंसिटी आई डैश इज लेस देन आई, ठीक ना। तो फाइनली हमें एक कंक्लूजन निकला कि बी ऑप्शन अपना सही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी वही बदल सकता है जहाँ से वेव जनरेट होती है, सोर्स बदल सकता है, सोर्स कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी।